Hello everyone, welcome to Game of Point. I'm back with another interesting video for you all. Today we'll be talking about Samsung's newly launched Tizen based smartphone, Samsung Z2. And I'm going to share my personal opinions regarding this phone and is it worth for its price or not. So let's get started. तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि टाइजन ओएस एक्चुअल में है क्या, तो ये सैमसंग की अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो अपने कुछ स्पेसिफिक जी सीरीज स्मार्टफोन जो उनकी न्यू सीरीज है उसमें यूज करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ओएस से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें सभी एंड्रॉइड ऐप्स तो चलते नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐप्स ही चलते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड बेस्ड नहीं है, तो यानी कि ये एंड्रॉइड ओएस पे काम नहीं करेगा। मैं आपको फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बता दूं, तो ये फोन की इंडिया में जो प्राइस है वो है 4590, यानी कि तकरीबन 4500 के आसपास आपको ये फोन मिल जाएगा इंडिया में। और अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन में सबसे पहले आपको तो मिलता है 4 इंच का TFT डिस्प्ले जो कि 480p रेजोल्यूशन पे काम करता है, यानी फोन का जो डिस्प्ले है वो HD नहीं रहेगा, एक नॉर्मल सा डिस्प्ले रहेगा। देन अगर फोन के प्रोसेसर की बात करें तो उसमें 1.2 GHz का क्वाड कोर CPU आपको मिलता है। इसके अलावा 1 GB रैम मिलती है जिसमें से आपको अवेलेबल अराउंड 300-400 MB मिल जाएगी। और फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो है 8 GB, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउट ऑफ द 8 GB आपको अराउंड 5 GB के आसपास तो अवेलेबल स्पेस मिल जाएगी इस फोन में। देन फोन का जो कैमरा है वो बैक कैमरा है वो 5 MP का है जिसमें फिक्स फोकस कैमरा दिया गया है, और जो फ्रंट कैमरा है वो एक VGA यानी कि 0.3 MP का कैमरा है। तो कैमरा के कंपार्टमेंट में ये फोन बहुत ही एवरेज है, कोई इतना बढ़िया कैमरा इसमें नहीं दिया गया है। और लास्टली अगर हम फोन की बैटरी के बारे में बात करें तो फोन की जो बैटरी है वो है 1500 mAh की, तो बैटरी भी यहाँ पे ठीक ठाक है, आपको एक आधे से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको फोन में ड्यूल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड सिम सॉल्यूशन नहीं है, आप एक ही वक्त में 2 SIM कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड फोन में लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोन के जो दोनों सिम स्लॉट्स है वो 4G इनेबल्ड है, यानी कि अगर आपके पास 2 4G SIM कार्ड्स है तो आप एक ही वक्त में एक साथ लगा सकते हैं और दोनों सिम कार्ड पे 4G का मजा उठा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है मैं कहूंगा। तो जैसे कि आपने देखा फोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो सब ठीक ठाक है, कोई भी इतने हाई एंड स्पेक्स नहीं है यहाँ पे फोन में, एक बहुत ही एवरेज से स्पेसिफिकेशन से जो कि आप एक बिलो 5000 के फोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ना अगर मैं आपसे बात करूं कि आप फोन कहां से ले सकते हैं, तो ये फोन अवेलेबल रहेगा सभी ऑफलाइन स्टोर्स में, सैमसंग के सभी स्पेसिफिक ऑफलाइन स्टोर्स में या फिर और भी कई जो ऑफलाइन डीलर्स है वहां पे आपको ये फोन आराम से मिल जाएगा। और इसके अलावा सैमसंग ने ये फोन पेटीएम पे बेचने का भी सोचा है, तो ये फोन पेटीएम एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए या फिर अगर आपका बजट बिलो 5000 है तो आपको यही फोन क्यों कंसिडर करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रीजन तो ये रहेगा कि ये फोन सैमसंग की तरफ से है, तो अगर मार्केट की करंट कंडीशन में ध्यान डालें तो बिलो 5000 की रेंज में आपको बहुत से ऐसे ब्रांड्स मिलते हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है या फिर जिनके आफ्टर सेल सपोर्ट है वो बहुत ही वीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर सैमसंग का फोन मिल जाता है ये करंट प्राइस रेंज में तो ये अच्छी चीज रहेगी मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत से स्मार्टफोन जो OEMs है वो अपने फोन में आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही वीक देते हैं। तो अगर आप कोई भी स्पेसिफिक एंड्रॉइड फोन लेते हैं ये प्राइस रेंज में तो आपको जो आफ्टर सेल सपोर्ट मिलेगा वो बहुत ही मीडियोकर मिलेगा, आपको बहुत से महीनों तक वेट करना पड़ेगा अगर आपको फोन में कुछ हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पे ओनली सैमसंग की जो आफ्टर सेल सर्विस क्योंकि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है इंडिया में, तो उसी एक रीजन की वजह से मैं कहूंगा कि ये फोन एक अच्छा कंसिडर किया जाएगा ये प्राइस रेंज में। और दूसरा रीजन ये रहेगा कि ये फोन में 4G एज वेल एज VoLTE भी आपको मिलता है, तो अगर आपको कोई 4G स्मार्टफोन चाहिए बिलो 5000 में तो ये फोन आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये प्राइस रेंज में और कोई कंपनी है जो 4G सपोर्ट देती है फोन में। और इसी एक रीजन की वजह से आपको ये फोन में रिलायंस जियो सिम कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको रिलायंस जियो सिम चाहिए और आपके पास वो सिम कार्ड है तो आप ये फोन में वो डाल के 3 मंथ्स का अनलिमिटेड कॉलिंग, इंटरनेट और जो SMS का जो बेनिफिट्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड रीजन में ये कहूंगा कि ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको एंड्रॉयड फोन नहीं चाहिए या फिर बेसिकली जिनका बजट बहुत ही कम है और उनको एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए। अभी ये फोन वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं, लेकिन उनको एक अच्छा ब्रांड चाहिए, एक अच्छी ब्रांड की तरफ से एक फोन चाहिए, तो ये फोन उन लोगों के लिए जिनको एक ऐसे ही एवरेजली फोन चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, और जो ऑलरेडी एक फीचर फोन यूज करते हैं और उनको एक स्मार्टफोन के ऊपर अपग्रेड करना है, तो ये फोन अच्छा कंसिडर किया जाएगा उन लोगों के लिए। तो आई वुड से कि ये फोन के स्पेसिफिकेशंस तो ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, लेकिन आपको अगर एक अच्छी कंपनी की तरफ से एक फोन चाहिए ये रेंज में तो ये सैमसंग Z2 एक अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको ये फोन क्यों कंसिडर नहीं करना चाहिए। नाउ यहाँ पे सबसे पहले रीजन तो ऑफकोर्स यही रहेगा कि ये फोन एंड्रॉइड ओएस पे बेस्ड नहीं है, ये फोन एक टाइजन ओएस पे बेस्ड है जो कि एक सैमसंग की अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इतनी पॉपुलर भी नहीं है,
तो अगर आपको एंड्रॉयड फोन चाहिए तो ये फोन ऑफकोर्स एंड्रॉयड नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीजन रहेगा। और ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि एप्लीकेशन की जो सिलेक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है स्मार्टफोन में। ओनली कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन से आपको ये फोन में प्री इंस्टॉल मिलेंगे, उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा ऐप इस फोन में नहीं डाल सकते। और जो एप्स आपको इस फोन में ऑलरेडी मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा फेसबुक, ट्विटर, ओएलएक्स, रेडबस, याहू, एनडीटीवी, ये जो कुछ एप्लीकेशन है आपको फोन में प्री इंस्टॉल मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा आप फोन में कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जिसे आप एंड्रॉइड में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वो तो नहीं कर सकते। और इसके अलावा फोन के जो स्पेक्स है वो भी बहुत ही एवरेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत ही मीडियोकर स्पेक्स है, कोई भी यहाँ पे हाई एंड स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया फोन में। तो बेसिकली अगर आप एक पावर यूजर है जो और या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये फोन आप बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही एवरेज फोन है। ये फोन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक अच्छे से बजट रेंज में कोई अच्छे ब्रांड की तरफ से एक स्मार्टफोन चाहिए और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो वही लोग ये फोन को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज इस फोन में ऐसे तो कोई खास बात नहीं है कि एवरी पर्सन को ये फोन कंसिडर करना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपको मेरे फाइनल वर्डिक्ट बता दूं ये फोन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये फोन उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास एक तो ज्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए या फिर उनको एक अच्छे से ब्रांड की तरफ से एक स्मार्टफोन चाहिए, तो वो लोग ये फोन को ले सकते हैं। अदरवाइज ये फोन में ऐसा तो कोई खास बात नहीं है कि कोई भी एवरेज पर्सन या फिर कोई भी कॉमन पर्सन ये फोन को यूज करे। इसके अलावा फोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी एवरेज है, 4 इंच का 480p डिस्प्ले मिलता है जो कि ठीक ठाक है ये प्राइस रेंज में, लेकिन अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले चाहिए तो वो आपको फोन में नहीं मिलता है। देन फोन की जो इंटरनल मेमोरी वो सिर्फ 8GB है, तो इसमें भी आपको बहुत से लिमिटेशन है। हालांकि SD कार्ड का ऑप्शन है लेकिन वो भी इतना सफिशियंट नहीं रहेगा मैं तो बोलता हूँ। देन इसके अलावा फोन की जो बैटरी है वो भी सिर्फ 1500mAh की है, तो आपको आधे दिन का ही बैटरी बैकअप मिल सकता है, कंप्लीट डे का भी नहीं मिल सकता। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो फोन में बहुत ही वीक है, तो इस रीजन की वजह से मैं कहूंगा कि ये फोन एवरी पर्सन के लिए नहीं है। बहुत ही बेसिक यूजर्स ये फोन को यूज कर सकते हैं, जिनको ज्यादा यूज नहीं है स्मार्टफोन का, जो डेली सिर्फ कॉलिंग या SMS के लिए ही फोन को यूज करते हैं, तो ऐसे लोग ये फोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक पावर यूजर है तो मैं नहीं कहूंगा कि ये फोन आप ले, क्योंकि ये फोन बहुत ही एवरेज स्पेक्स के साथ आता है। और अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए रेंज में या फिर आपको जियो बेनिफिट जो है जियो सिम कार्ड के जो 3 मंथ्स के बेनिफिट्स है वो चाहिए, तो वो उस रीजन के लिए आप ये फोन ले सकते हैं। अदरवाइज ये फोन के जो स्पेक्स है जैसे मैं आपको बताया बहुत ही ठीक ठाक है। तो बस यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो मैं आपको बताना चाहता था सैमसंग Z2 के बारे में। ये फोन मोस्टली ऑफलाइन मार्केट में मिलने वाला है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑनलाइन शॉपिंग पे विश्वास नहीं करते या फिर जिनको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आती है, तो वो लोग ये फोन को ले सकते हैं, क्योंकि ये फोन ऑफलाइन मार्केट में भी आराम से मिल जाएगा आपको। तो यही कुछ रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन बिलो, और अगर आपने तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज कोई ना कोई टेक वीडियो या फिर गेमिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।